हेलो चिल्ड्रन, मैं उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे औ की मात्रा। आपकी बुक में पेज नंबर 53 में दिया हो बेटा औ की मात्रा। ठीक है, ये क्या है? क ओ आ कौआ, क ओ अ आ कौआ। ओके, हम देखेंगे बेटा पहले क में ओ की मात्रा लगाएंगे तो हमारी आवाज़ कैसी आएगी और हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, क ओ को, क ओ को। ऐसे ही ल में ओ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा हमारा? ल ओ ल ल ओ ल। ख में औ की मात्रा मिलाएंगे तो ख अ ख ख अ ख। व अ व व में औ की मात्रा मिलाएंगे तो व। ज अ ज म में औ की मात्रा मिलाएंगे तो म अ म। च अ च। फ अ फ। ठीक है, अगर हम ये हमारी एक मात्रा हो तो क्या बनेगा? फ ओ, तो क्या बनेगा? फो। अभी फ ऊपर दो मात्रा है तो ओ फ। ठीक है, इधर देखेंगे र ओ र, ग ओ ग, ट ओ ट, ब अ ब। ठीक है, इस तरह से बेटा सारे अक्षरों के साथ आप औ की मात्रा मिला के पढ़ेंगे और उसका आवाज़ कैसे आती है वो ध्यान देंगे उस पर। ठीक है, अभी आप एक बार ये पढ़ो क अ आ कौआ, प अ ध आ पौधा, ल ओ क ई लौकी, ख ई खी, ल ओ ल न आ ना खी लो ना, ह थ हथ ओ हथो, ड आ डा हथौड़ा। ठीक है, चौकीदार, च ओ च क ई की द आ र दार, चौकीदार। ठीक है, इस तरह से सारे जो भी शब्द बुक में दिए हैं सबको पढ़ेंगे। एक बार बेटा हम ये पढ़ लेंगे। ठीक है, आप घर पे बार बार पढ़ेंगे, ठीक है, जब भी आपको समझ में आएगा, और उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, क ओ न कौन, म ओ न मौन, प ओ न पौन, द ओ न दौन, ज ओ न जौन, न ओ न क आ का नौका, म ओ म क आ का मौका, च ओ च क आ का चौका, प ओ प क आ का पौका, ल ओ ल क आ का लौका। तीसरी लाइन में देखेंगे क ओ क ड ई डी कौड़ी, प ओ प ड ई डी पौड़ी, च ओ च ड ई डी चौड़ी, द ओ द ड ई डी दौड़ी, म ओ म ड ई डी मौड़ी, ह थ ओ हथो
ड आ डा हथौड़ा, प क अ पको ड आ डा पकौड़ा, भ ग अ भगो ड आ डा भगौड़ा, व त अ वतो ड आ डा वतौड़ा, प त अ पतो ड आ डा पतौड़ा, भ इ बी छ अ छो न आ ना बी छो ना, भ ग अ भगो न आ ना भगोना, स ल अ सलो न आ ना सलोना, घ इ घी न ओ नो न आ ना घी नो ना, ख इ खी ल ओ लो न आ ना खी लो ना। इस तरह से बेटा ये सारा आप बोल बोल के पढ़ेंगे जोड़ जोड़ के, ठीक है। उससे नीचे देखेंगे, नीचे दिए वाक्यों में ओ की मात्रा, ये किसकी मात्रा है, ओ की मात्रा वाले वर्णों के नीचे रेखा खींचिए। आपको जहाँ पे ओ की मात्रा दिखेगी वहाँ पे आप लाइन खींचेंगे, ठीक है। ग ओ र इ गौरी, ओ की मात्रा कहाँ है, ग पे, तो हम इसके नीचे लाइन खींचेंगे। क इ की म ओ म स इ सी मौसी, म पे ओ की मात्रा, आ यी आई, गौरी की मौसी आई, तो आप गौरी और मौसी के नीचे म पे और ग पे और मात्रा है तो उसके नीचे लाइन खींचेंगे। स आ था साथ, म ए मे, ब ओ न आ बौना, ग उ ये आधा ड, ड आ गुड्डा, ल आ य इ लाई। ये आप बेटा बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, तब मैं इसको आपको बाद में खोल के बताऊंगी क्या है कैसे है, ठीक है। ये आधा होता है, ठीक है। ब ओ बो, आपको की मात्रा दिख रही है तो इसके लाइन नीचे हम लाइन खींचेंगे, साथ में बौना गुड्डा लाई। जम जम कर कर जम कर, ख आई खाई, ख उब खूब, क च ओड ई कचौड़ी, जम कर खाई खूब कचौड़ी, च पे ओ की मात्रा है तो इसके नीचे लाइन खींचेंगे। ल ओ लो, ग ओ गौ रव रव गौरव, त उम तुम गरम गरम, पक ओ पको ड ई डी पकौड़ी, तो ग पे ओ की मात्रा है और पकौड़ी, क पे ओ की मात्रा है तो इसके नीचे आप लाइन खींचेंगे, ठीक है। म ओ स आ मौसा, तो आप इधर लाइन खींचेंगे, म के नीचे ओ की मात्रा है तो आप इधर लाइन खींचेंगे। ज ई जी भ ई भी, ल आ य ए लाए, मौसा जी भी लाए, ख ई ल ओ न आ खिलौना, मौसा जी भी लाए खिलौना, तो इधर में ल के नीचे ओ की मात्रा है, ल पे ओ की मात्रा लगे तो ल के नीचे लाइन खींचेंगे। ग ओ रव क्या बना, गौरव, द ए ख ओ देखो, क भ ई कभी, न र ओ रो न आ ना रोना, गौरव देखो कभी न रोना, ग पे ओ की मात्रा है तो आप इसके नीचे लाइन खींचेंगे, ठीक है। इस तरह से बेटा आपको ये आपको अपनी कॉपी में भी करना है, बुक में भी करना है, ठीक है। और इसमें से अगर आप बिना देखे लिख सकते हो तो कोई भी 10 शब्द आप बिना देखे लिखेंगे, अगर आपको बिना देखे नहीं आ रहा है तो आप इसमें से देख के कोई भी 10 शब्द अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। अभी हम इसका अभ्यास देखेंगे, क्या है अभ्यास, चित्र देखकर शब्द पूरे कीजिए। आपको चित्र देखना है किसका चित्र है और उसके नीचे उसको शब्द जो लिखा हुआ है उसको पूरा करना है। ये क्या है, चौकी, चौकी की हमारा लिखा है तो आगे क्या है, चौ, चौ कैसे लिखेंगे, च ओ चौ, ठीक है, दिखाई दे रहा है। और इसके नीचे बेटा आपकी कॉपी में लाइन भी खींचेंगे, क्योंकि आपको इधर कॉपी में तो आप सारा लिखोगे तो आपको ये अलग नहीं दिखाई देगा, तो आप इधर में लाइन खींचेंगे, ठीक है। ये क्या है, खिलौना, ख ई खी लो ना, ना है खी है, बीच में क्या बचा, लो, ल
लॉ ख ई ल ओ न आ खिलौना। ये कौआ क ओ आ कौआ, ठीक है क आ, आ हमारे लिखा है क, क कैसे लिखेंगे क ओ क, ठीक है। हथौड़ा ह डा थ हथो थ ओ क्या बना थ ह थ ओ हथो ड आ डा हथौड़ा, ठीक है बेटा। औरत ओ रत ओ, ओ कैसे लिखोगे अ अ, ठीक है अ रत रत औरत, ठीक है। पौधा पौधा, आप बार बार बोलोगे तो बेटा आपको समझ में आएगा क्या चीज़ मिसिंग है, क्या चीज़ हमारी छुटी हुई है, तो आप फिर लिख पाओगे पौ प ओ पौ ध आ धा पौधा, ठीक है। चित्र देखकर वाक्य पूरे कीजिए, आपको चित्र देखना है और इस जगह में आपको चित्र सॉरी चित्र को देखना है और जो चित्र है वही शब्द आपका इधर आएगा, ठीक है। सौरभ दौड़कर लाया, क्या लाया सौरभ दौड़कर, ये क्या है खिलौना, तो आप यहाँ खी खिलौना खी ख ई खी लौ ल ओ लौ ना न आ ना खिलौना, ठीक है। ये क्या है कौआ, डाल पर बैठा है, क्या ये कौआ, तो आप इधर क्या लिखना आपको कौ आ कौ क ओ कौ आ ओ आ आ कौआ डाल पर बैठा है, ठीक है। आगे देखेंगे रिक्त स्थान में सही शब्द छांट कर लिखिए, आपको जो ये खाली जगह दी हुई है इसमें इधर में जो दो शब्द दिए हुए हैं उनमें से जो सही शब्द है वो छांटना है और आपको इधर लिखना है। हमने से सैर की, हमने से सैर की, किस से सैर की, मौका नौका, नौका मीन्स नाव, मौका अवसर, तो अवसर से तो नौका सॉरी सैर कर नहीं सकते, तो इधर में क्या आएगा नौका न ओ क आ नौका, ठीक है। ब ड आ बड़ा स उ ह आ व न आ स उ सु ह आ व हाव न आ ना सुहावना है, क्या सुहावना है गौतम मौसम, गौतम तो नाम है तो मौसम, मौसम पता है ना हम बोलते हैं ना बड़ा सुहावना मौसम हो रहा, तो बड़ा अच्छा मौसम हो रखा है तो मौसम, ठीक है मौसम बड़ा सुहावना है। इधर पेड़ पर बैठा है, कौन बैठा हुआ है नौका कौआ, नाव पेड़ पर नहीं बैठ सकती ना, पेड़ पर कौन बैठेगा कौआ, तो आप इधर लिखेंगे क ओ आ कौआ, ठीक है बेटा। ये आप बार बार वीडियो सुनेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, और ये आपको अपनी कॉपी में भी करना है, बुक में भी करना है, ओके चिल्ड्रन, ध्यान से करेंगे बेटा, अच्छे से करेंगे और बार बार रीड करोगे आप, बार बार शब्दों को बोलोगे तो आपको अच्छे से शब्द समझ में आएंगे और आप अपने से लिख पाओगे, ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय।